today we will start with some formulas which we have done earlier, but today we will do some practice question based on this. So our first formula is integration of tan x. हमने किया था integration of tan x क्या होता है? Sin by cos लेते हैं और formula को जो use करते हैं derivative of denominator exists in numerator. That formula by using that formula we can find the result minus log cos x plus c. अब इसके एक और formula आप कर सकते हैं. जो भी मल्टीप्लाई करिए टर्म वो पावर में बन जाती है, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा log 1 cos x raised to power minus 1 we get 1 cos x plus c. So our next formula of this is what we secant x plus c. तो आपके पास accordingly जैसे कई बार हमारे पास आ जाते प्रूफ दैट अगर आपके पास cos में है तो cos में यूज करेंगे, आपको दोनों फॉर्मूलेस बता देते हैं. सेकंड है व्हाट x की इंटीग्रेशन इज log sin x plus c. cosecant x के लिए देखते हैं हम log cosecant x minus cot x plus c. तो हमने किया था एक और फॉर्मूला है इसका, ध्यान से समझना फॉर्मूला को कैसे हमने फाइंड किया वो फॉर्मूला. आपके पास इंटीग्रेशन cosecant x dx, इसको वी कैन राइट इंटीग्रेशन 1 sin x dx. नाउ sin x का फॉर्मूला 2x की फॉर्म में क्या रहेगा आपके पास 2 sin x by 2 cos x by 2. यहां से देखना हम क्या कर रहे हैं इस फॉर्मूला में. अब क्या करते हैं न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर को tan में कन्वर्ट कर tan की फॉर्म में ले आते हैं, तो हमें cos फिर से डिवाइड करना पड़ेगा. एक काम करके cos फिर से डिवाइड किया तो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में 2 tan x by 2 आ जाएगा. क्लियर? आपके पास 2 tan x by 2 आ गया. अब देखो डिनोमिनेटर को अगर हम t लेट करें, ध्यान से समझना इसे, अगर हम tan x by 2 को t लेट करें, कुछ भी t लेट कर लिया हमने, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा secant square x by 2 into में 1 by 2 dx इसके इक्वल आएगा. दोनों तरफ डेरिवेटिव करें, आप देखें अगर हम देखो 1 by 2 secant square x by 2 dx, dx यहाँ लिखा हुआ है 1 by 2 secant square x by 2 dx, हमारे पास क्या बन गया dt. ये सारी फॉर्म हमारे पास क्या बन गई dt और tan x by 2 को हमने क्या लिया t. अब अगर हम देखें t का डेरिवेटिव इज 1, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो आपके पास आंसर आएगा log mod में t plus c, यानी कि log tan x by 2 plus c. तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया log tan x by 2 plus c. तो आपको cosecant x dx का एक फॉर्मूला क्या है log mod में cosecant x minus cot x plus c और एक फॉर्मूला क्या आ गया log tan x by 2 plus c. अब इसको मैं यहां लिख लेती हूँ फॉर्मूला को. क्या है आपके पास फॉर्मूला log tan x by 2 plus c. अब फिर कोई बात हम सेकेंड का भी निकाल लेते हैं secant x dx. इतना सारा काम करने की जरूरत है, सेकेंड को डायरेक्ट सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं. सेकंड थीटा इज सो वी कैन राइट सेकंड एक्स एज कोसेकेंट 90 माइनस एक्स. टेंथ में फार्मूलास करें आपने ना, कोसेकेंट थीटा का फार्मूला इज log tan x / 2. सो log tan दिस इज योर x x / 2 pi / 4 माइनस x / 2 और x का कोएफिशिएंट माइनस आगे लेते हैं. तो आपके पास कुछ सिंपल फार्मूलास हैं. अब क्वेश्चन देखते हैं, आप क्वेश्चन कैसे करते हैं. Let's do some
cos x dx, तो आपके पास क्या आ गए, 1/2 इंटीग्रेशन cos x को लिख सकते हैं हम secant x dx, और secant x की इंटीग्रेशन क्या रहेगी, log mod में secant x plus tan x plus c, जो आपने पहले q लिए, ठीक। आप अब करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के अंदर देखते हैं हम, वन जब एंगल आप करते हैं देखना, 1 माइनस कॉस एक्स करें, इसको क्या रहेगा आपके पास, 2 sin² x/2 dx, सेम टर्म 1/2 बाहर, साइन स्क्वेयर क्या लिख सकते हैं, साइन साइन का रेसिप्रोकल इज कोसेकेंट x/2 dx, तो आपके पास क्या फॉर्मूला था, 1/2 log mod में tan x/2 का x/2 हो गया प्लस c, और x का ऑप्शन 1/2 ये रहा, ठीक है। ये x ऑप्शन इज 1/2 है, 1/2, तो आपके पास न्यूमेरेटर में रूट 2 रह जाएगा, बाकी का मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम, इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपने, अब देखो एक अलग से फॉर्म आ गई आपके पास, साइन x माइनस a dx अपॉन साइन x, साइन ए माइनस बी क्या फॉर्मूला रहेगा आपके पास, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और एक काम करते हैं हम डिनोमिनेटर दोनों टर्म को दे देते हैं, और ब्रैकेट के बाद क्या लगाएंगे, डी एक्स, क्लियर, यहाँ साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, क्या टर्म है ये, कॉस ए कॉन्स्टेंट है, और डी एक्स यहाँ, यहाँ पे साइन ए कॉन्स्टेंट है, और अंदर रहेगा आपके पास कॉट एक्स डी एक्स, सिंपल फॉर्म बन गई हमारे पास कॉस ए, और यहाँ पे वन की इंटीग्रेशन इज एक्स माइनस साइन ए, कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स प्लस सी, लॉग साइन एक्स प्लस सी। अच्छा, अगर यही चीज इंटरचेंज हो जाए हमारे पास, देखो ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, इसी क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन को हम, इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन से हमको सबको करेंगे आज हम, आपके पास अगर आपके पास इस टाइप की आ जाए, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स, तब क्या करेंगे, साइन एक्स को वी कैन राइट साइन एक्स माइनस ए प्लस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स, बढ़िया फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला रहेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और डिनोमिनेटर दोनों टर्म को जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, यहाँ पे भी आपके पास साइन एक्स माइनस ए, और ये ब्रैकेट के बाहर क्या लगेगा आपके पास, डी एक्स, ये कैंसिल, सेम प्रोसेस रहेगा बाकी, तो कॉस ए कॉन्स्टेंट अंदर 1 × डी एक्स प्लस साइन ए कॉन्स्टेंट ब्रैकेट के अंदर कॉस बाय साइन इज कॉट एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स, आपके पास 1 की इंटीग्रेशन इज एक्स कॉस ए, यहाँ से साइन ए, और ये क्या आ गया आपके पास लॉग मॉड में साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, तो ये आपके पास सिंपल फॉर्म बन गई, अगर न्यूमिनेटर में एक्स माइनस ए है डिनोमिनेटर अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं हम, x माइनस b इंटू डी एक्स,
साइन नहीं है, दोनों चेक कर लेते हैं। आपने क्या करना है इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना है, वन बाई साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन ए माइनस बी से डिवाइड। अभी आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि हमने ऐसे क्यों किए। तो आपके पास वन बाई साइन ए माइनस बी से आपने मल्टीप्लाई किया, इधर क्या रहेगा आपके पास साइन, देखो ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, इसको यही कर लेते हैं। आपके पास क्या रहेगा, एक्स माइनस बी आ जाएगा यहाँ से माइनस एक्स माइनस ए, इस टाइप की फॉर्म बन जाएगी। जब हम इसको देखो एक्स माइनस बी, इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन आ गया तो एक्स माइनस ए। अब साइन ऑफ ए माइनस बी क्या फॉर्म करेगा, ये कॉन्स्टेंट बाहर लिख देती है इसको, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या रहेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इंटू बी ए, और डिनोमिनेटर जो भी आपके पास दोनों टर्म को दे देते हैं साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, एंड हियर साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, ये कैंसिल हो गया, इधर से एक्स माइनस ए कैंसिल, वन बाई साइन ए माइनस बी। अब देखिए डायरेक्ट करेंगे हम कॉस साइन एक्स माइनस बी कैंसिल, कॉस एक्स माइनस ए बाई साइन एक्स माइनस ए, कॉट एक्स माइनस ए तो क्या फॉर्मूला रहेगा, लॉग मॉड में साइन एक्स माइनस ए, जैसे क्या कैंसिल हुए आपके पास साइन कॉस ए साइन बी, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल होगी, ये नहीं होगी, तो कॉस बाई साइन इज अगेन कॉट, तो उसका आंसर रहेगा लॉग मॉड में साइन एक्स माइनस बी प्लस सी, लॉग मॉड में साइन एक्स माइनस बी प्लस सी। क्लियर, अभी थर्ड टाइप का क्वेश्चन कराया मैंने आपको, एक और देखते इसी टाइप के क्वेश्चन है। अब कुछ ही क्वेश्चन इस फॉर्मूला के ऊपर बेस ही करते हैं। अगर आपके पास न्यूमेरेटर में
थीटा, तो आपके पास लॉग मॉड में एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। क्वेश्चंस की टाइप देखते हैं, जैसे आपके पास ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाई ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन है। हमने करना वही प्रोसेस है जो मैंने आपको कोसेकेंट एक्स की जो सेकेंड फॉर्मूला डिराइव करते हुए बताया था, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आपने ई रेस टू पावर एक्स ई रेस टू पावर माइनस एक्स को दी, इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं कि हम कोई चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अब हम इसको टी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इसका आपके पास सब्स्टिट्यूशन नाम भी है इस फॉर्मूला से। तो आप इसका डेरिवेटिव लेंगे ई रेस टू पावर एक्स ई रेस टू पावर एक्स ई रेस टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल डी, हर क्वेश्चन में ऐसी बन जाएगा। न्यूमिनेटर क्या बन गया आपके पास डी टी और डिनोमिनेटर क्या है टी, ये स्टेप सिंपल सबको पता होना चाहिए क्या किया। और डी टी बाई टी का आंसर इज लॉग टी प्लस सी, लेकिन टी में तो हम रहे नहीं, क्वेश्चन किसने था ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस सी, तो आपके पास ये फॉर्मूला से क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो गया। एक और करते हैं, क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से पेशेंस के साथ करेंगे। ई रेस टू पावर थ्री लॉग एक्स इंटू वन प्लस एक्स की पावर टू पावर माइनस वन डी एक्स, क्वेश्चन को देखो कितना टिपिकल सी फॉर्म में बना दिया कि बच्चा डर ही जाए करना क्या है। और सबसे सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको भी बता रही हूँ, इसको आप क्या करेंगे, इसको हम पावर में ले जाए एक्स क्यूब ईयर लॉग कैंसिल, एक्स क्यूब बन गया और ये पावर माइनस वन है तो इसको अपॉन में ले आते हैं। हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, हमें जो पता था हमने सिर्फ उन्हें दो चीज़ों को फॉलो किया, पावर माइनस में डिनोमिनेटर में आ जाएगी और ये पावर ऊपर आ गई तो आपके पास ईयर लॉग कैंसिल हो गए एक्स क्यूब आ गया। अब वन प्लस एक्स की पावर फोर को ध्यान से देखना, टी लेट करके फोर एक्स क्यूब डी एक्स क्या आ गया डी टी, लेकिन हमारे पास तो एक्स क्यूब डी एक्स, तो यहाँ से एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई डी टी बाई फोर, और इसको आपने क्या लिया था टी। ये समझ में आया सबको, एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू क्या है डी टी बाई फोर, तो मैंने कर दी फोर, आपके पास वन बाई फोर इंटीग्रेशन में डी टी बाई टी, और ये कितना आ जाएगा लॉग मॉड में टी प्लस सी, और टी की जो वैल्यू आपने ली थी लेट की थी वन प्लस एक्स की पावर फोर वहाँ पे पुट हो जाएगी, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा सिंपल एक्स की फॉर्म। क्लियर, अच्छे से करने हैं क्वेश्चन सबने। एक और देखते हैं क्वेश्चन, साइन टू एक्स बाय ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स, सिंपल। अब देखो डिनोमिनेटर को टी लेट करते हैं, डेरिवेटिव लेके देखते हैं एक बार इसका, ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स का लिखो गया साइन एक्स इंटू साइन का कॉस एक्स, बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स को क्या लिखोगे कॉस एक्स इंटू कॉस का माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी डी एक्स इक्वल डी। आपके पास यहाँ से देखें अगर हम ए स्क्वेयर ये क्या बन गया साइन टू एक्स माइनस बी स्क्वेयर ये भी क्या बन गया साइन टू एक्स डीएक्सल डी, तो यहाँ से आपके पास साइन टू एक्स डी एक्स की वैल्यू जो हमारे पास न्यूमिनेटर है उसकी वैल्यू क्या आ गई डी टी बाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यहाँ से साइन टू एक्स कॉमन लेंगे तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर रहेगा, वो कहाँ चला गया डिनोमिनेटर, तो आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया देखो, ऊपर क्या आ गया डी टी और कॉन्स्टेंट को पहले ही बाहर लिख लेती हूँ मैं और अपॉन में इस पूरी टर्म को लेती
वेयर आंसर इज 1 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग मॉड में टी प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है, आपने एक स्टेप और लिखना है, मैंने उसी स्टेप में लिख दिया। टी की वैल्यू है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े अच्छे से क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन अगर एक बार इंटरेस्ट बन जाए ना आपका, करने में बड़ा मजा आता है, फ्लो में आते हैं क्वेश्चन। एक साथ बच्चा बैठ के 100 क्वेश्चन भी एक साथ कर लेते हैं। आपने इसको बड़े इंटरेस्ट के साथ अच्छे से करना है। पहले सॉल्व करके देखिए, जो मैंने कराई उनको एक बार समझ के दोबारा करके देखो, फिर अनसॉल्व पे जाना, क्योंकि ऐसा होता है कई बार हम अनसॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो नहीं होता, अटक जाते हैं, फिर हम छोड़ते हैं, चलो छोड़ो। आपने ऐसा नहीं करना, पहले सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन करो जो आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन समझ के दोबारा इन्हीं को करो, फिर एक्सरसाइज पे जाओगे, सारे क्वेश्चन फटाफट से हो जाएंगे। तो आपने इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स।